पर आप अच्छी तरह देखे, अच्छी तरह लग गया सारा। इतनी ग्लो दे देता है। अस्सलाम फैमिली, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? सब लोग ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज जो है वो संडे है और चले आज थोड़ी सी सेल्फ केयर। आज का जो व्लॉग है दैट इज गोइंग टू बी अ सेल्फ केयर व्लॉग। मतलब इट इज़ नॉट अ व्लॉग, ये वीडियो होगी सेल्फ केयर पे कि आप लोगों ने अपना ख्याल कैसे करना है और संडे को जो है ना वो थोड़ा सा सेल्फ केयर किया करें, अपने बालों में तेल वगैरह लगाया करें, स्किन की थोड़ी सी अच्छी सी केयर किया करें और संडे के लिए आप संडे को आप अपनी हफ्ते में एक दफ़ा वीकली सेल्फ केयर क्या रूटीन है मेरी, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अब मैं लगाने लगी हूँ ऑयल। अब मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ऑयल लगा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी चलिए, अब मैं ये लगाऊंगी आज ये वाला ऑयल, ये है जी दूबियाज ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। ठीक है, बहुत अच्छा, देखिए इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इसको मैं लगाऊंगी, इस प्लेट में डालूंगी, स्टील की प्लेट में, और इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूंगी चूल्हे पे रख के। ठीक है, तो पहले हम ऑयल डाल लेते हैं। ऑर्गेनिक जो है ना चीज़ें वो ना बालों को नुकसान नहीं देती हैं और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हिला लिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, इसमें देखें रोज़मेरी नज़र आ रहा है डला हुआ, और अब इतना सा बस लूँगी क्योंकि पहले मेरे बाल थोड़े से ऑयली हो रहे हैं। ठीक है, इसको गर्म करते हैं। चलें जी, अब जो है ना वो ये मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं इसको हल्का सा जो है ना करूँगी गरम, बिल्कुल लाइट सा, ताकि जब गरम करके हम ऑयल करते हैं ना तो वो हमारे बालों के और जड़ों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका असर डबल हो जाता है। अच्छा जी चलें, अब जो है ना वो मैं ऑयल ले आई हूँ। ठीक है, इसको मैंने गर्म किया, मैंने आप लोगों को दिखाया, बस अब ये आते आते ना नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गया। अच्छा, बालों के ना हमेशा सेक्शन बना के ऑयलिंग किया करें, उससे होता है कि तेल ना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऐसे अब मैं सेक्शन बना के ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे ऑयल्स मैं इसलिए भी यूज़ नहीं करती कि मेरे जो बाल है ना वो हेयर डाई हुआ है, तो डाई जो है ना फिर वो डैमेज करता है, ये जो तेल से ना डाई ख़राब हो जाता है और इतना महंगा करवा के तो फिर। लेकिन अब मैं बाल दर्द कर रहे, यहाँ से दर्द कर रहे, यहाँ से दर्द कर रहे, तो तेल लगाना भी ज़रूरी है, तो डाई तो हो ही जाएगा दोबारा, कोई ख़राब हो गया तो क्या कहते हैं करवा लूँगी ना वो जो टोनिंग वगैरह होती है। तेल की खुशबू अच्छी है और इसका असर भी अच्छा है क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है। नरेब ने लगाया है 2-4 दफ़ा ये वाला ऑयल और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अगर आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनका जो लिंक है ना इंस्टाग्राम पेज वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, हफ्ते में ना 2 दफ़ा कोशिश किया करें कि ऑयलिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि बाल जो है वो अगर आप फ्रीक्वेंटली इनको हम वॉश तो करते हैं ना तकरीबन रोज़ नहाते हैं, गर्मियों में तो रोज़ नहाते हैं, सर्दियों में चलो एक दिन छोड़ के एक दिन नहा लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है बालों की हेल्थ के लिए कि इनको किया जाए। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बालों को आयरन करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं जब भी अपने हेयर वॉश करूँ ना तो मैं ज़रूर जो है ना वो ऑयलिंग करूँ। अच्छा, अंदर स्कैल्प में लगाने के बाद ना जो लंबे बाल है ना इनके ऊपर भी ज़रूर अप्लाई किया करें, जितने भी डैमेज होगा, हीट डैमेज होगा या जो भी वो, ये देखो मेरे इतने बाल हैं तो इतने तो नेचुरल है तो इनको देख के परेशान ना हुआ करें, क्योंकि इतने तो कितने जब मैं इनको खींच रही हूँ उनको ऐसे मसाज कर रही हूँ तो टूटने लगे, जिन लोगों के बाल हेल्दी होते हैं ना उनके इतने से भी नहीं टूटते। अच्छा जी, अब जब सारा सर में ऑयल लग गया ना, अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह लग गया सारा। ठीक है, तो अब जो बच गया ना प्लेट में, इसको मैं ना अपने यहाँ पे ऐसे डाल के सर के सेंटर में। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना ब्रश, दिस हैज चेंज माय हेयर केम। ठीक है, नहाने के वक्त से आप मैंने तेल लगाया ना, मेरे हाथ थक गए मसाज, ये बहुत अच्छा है मसाज करने के लिए, वेरी सॉफ्ट, और इससे ना ये देखें अच्छी तरह ना तेल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है और मालिश हो जाएगी। ठीक है, इसके पतले पतले ये आगे जो सॉफ्ट है बहुत ये अच्छा, और इसको ना मैं शैम्पू करते हुए भी यूज़ करती हूँ, उससे होता है कि स्कैल्प जो है ना वो ऑयली नहीं होता जल्दी। जैसे इस दफ़ा मैंने नहीं किया था तो आपने देखा कि दो दिन पहले मैंने सर वॉश किया था तो मेरे बाल जो है ना वो ऑयली हो रहे थे, तो इससे तेल भी अच्छी तरह ड्रॉप हो जाता है, जब नहाते हैं शैम्पू भी अच्छी तरह से हो जाता है। चलो जी, बस इससे अब आपने 2 या 3 मिनट ऐसे से मसाज कर लेना है ताकि तेल अच्छे से जल्द हो जाए। ये जी हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप है जी हेयर ऑयलिंग। अच्छा जी, जहाँ जहाँ सेल्फ जितनी सेल्फ केयर ज़रूरी है उतनी साथ साथ घर की केयर भी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा चलें साथ साथ आप बेडशीट भी चेंज करवा लेती हूँ, तो मैंने बच्चे को लगाया था कि बेडशीट चेंज करें, लेकिन जब तक तो खुद साथ ना देखे ना तो इन लोगों को भी समझ नहीं आती है कैसे करना है, खुद करें तो इंसान को
पता भी चलता है। खैर मैंने उसके साथ गद्दा ठीक करवाया था, फिर ये जो है नीचे बिछाई हुई है, इनको हम दोरे कहते हैं, पता नहीं अब इनको आप लोग क्या कहते हैं। खैर ये बिछाते नीचे तक, इससे बेड बना रहता है और ना सिलवटें नहीं पड़ती बेडशीट पर। आजकल हम थोड़े वेलवेट वाले बेडशीट बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड भी है और अच्छी लगती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट सर्दियों में। तो बेड तो मैं उठते ही बनाती हूँ रोज़ सुबह, तो उससे होता है कमरा एकदम से नीट लगने लग जाता है। तो आप भी अपनी हैबिट्स में शामिल करें, कुछ ना ज़्यादा हो तो रजाई या कंबल जो है ना उसको ही तय लगा दिया करें। चले जिसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले जी, अब है जी सेकंड स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ केयर, और वो है जी आपके फेस की क्लीनिंग और फेशियल, होम फेशियल। तो उसके लिए मैं आज यूज करूंगी ये गेट सेट गो पिंक सोल का होम फेशियल है, ठीक है। और इसको आपने इसके मतलब ये सारे चार पांच स्टेप है ना, क्विक फेशियल है, कहीं जाना है जल्दी में करने के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये जो ऑल इन वन फेशियल है ना, ये क्विकली क्लीनिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रात को डबल क्लेंजिंग करें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वीकली इसको यूज़ करें ज़रूर, मैं इसको वीकली यूज़ करती हूँ। लाइट सा अप्लाई किया है फेस पे, उसको अच्छी तरह मसाज कर लिया है, और मसाज करने के बाद इसको 10 या 15 मिनट छोड़ देना है फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे, अच्छी तरह इसको मल लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। क्विकली स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। हाथों को साथ साथ ही कर लिया करूँ कि हाथ नीट हो जाए, तो हाथ भी नीट हो साथ साथ फेस के तो अच्छा है, क्योंकि जब हम घर के काम करते हैं तो हाथ ख़राब होते ही होते हैं। नेक को भी साथ ही मसाज कर लिया और बस फेस को वॉश कर लूँगी, और गर्दन तब वॉश हो जाएगी जब नहाऊंगी। अच्छा जी, तो ये ना अच्छी सी हो गई है क्लेंजिंग फेस की, ठीक है। क्विक फेशियल, क्विक क्लेंजिंग, वेरी गुड। अच्छा अब मैं करूँगी अपने फेशियल हेयर इरेज़। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी, इतने बाल नहीं है मेरे चेहरे पे, देखें आप लोग बहुत कम है, लेकिन ना स्किन नीट हो जाती है, थोड़े थोड़े मुझे फील हो रहे हैं जैसे इधर है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फ्लेमिंगो रेजर्स, ठीक है। इजीली आपको दराज से अवेलेबल हो जाएंगे, मैं इनका लिंक जो है वो आप लोगों को मैंशन कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी कि हाउ डू आई डू दिस। अच्छा, सबसे पहले आपने कोई भी अपने फेस पे फेस ऑयल या फेस सीरम लगा लेना, जिससे आपकी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए और जो रेजर है ना उसको ग्लाइड करने में आसानी हो। उसके बाद जिस तरह से आपने अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है एक हाथ एक उंगली से, और लाइट लाइट स्ट्रोक्स में जो है ना वो अपने हेयर रिमूव करने हैं जहाँ जहाँ से भी करने हैं, ठीक है। देखिए ये रुआं है, बिल्कुल रेजर जो है वो रुआं जो बाल होते हैं ना बिल्कुल ज़रा ज़रा से बाल जो हैं उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन मोटे बालों के लिए नहीं ठीक होता। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बाल मोटे तो नहीं होते, तो हाँ जी मोटे बाल जो हैं वो मोटे होते हैं, लेकिन दूसरा बारीक बाल है तो वो मोटे नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि मैं फेस पे रेजर ट्रीटमेंट कराती हूँ फॉर माय फेशियल हेयर, तो उसके साथ ये रेजर ही रिकमेंडेड होता है, और लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कोई 2-3 महीने में एक दफ़ा ये रेजर कर लेती हूँ, और 2-3 महीने बाद जाके फिर रेजर भी करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे इतने बाल नहीं है, लेकिन मैं करती इसलिए हूँ ताकि मेरी स्किन नीट हो। फोरहेड मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आज मैंने कर लिया, और मैंने वाकई बाद में फील किया कि वाकई मेरी स्किन नीट होगी। और आईब्रोज़ भी मैंने फिर बाद में इसे रेजर से ही कर लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आईब्रोज भी होने वाले थे, और फिर जरा पूरी स्किन नीट हो रही है तो पूरी हो जाएगी नीट, और वो भी मैंने लाइट लाइट इस तरह स्ट्रोक्स में कर लिया। और मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोग भी जो लोग पार्लर नहीं जा सकते फ्रीक्वेंटली या नहीं जाते तो वो इस तरह से कर सकते हैं। आईब्रोज के बाल मेरे मोटे तो वो मोटे ही आते हैं रेजर करने से। चलो जी, ये देखें अब ये हो गया फेस सारा नीट, विजिबली ब्राइट और नीट हो गया, ठीक है। और देखो दिस इज फेस पे बालों के साथ साथ सारी जो डेड स्किन है उसकी भी टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो गई, और देखें टोटल सारे ये मेरे फेस के ऊपर से इंक्लूडिंग आईब्रोज जो है ना वो बाल उसको आपने इस तरह से टिश्यू के साथ अच्छी तरह साफ कर लेना, ठीक है। टिश्यू से आपने उसको साफ करने के बाद अगर आपके पास एल्कोहलिक स्वैब वाले पैड्स है ना तो उससे आपने इसको साफ करके रखना है, बस 2 से 3 दफा इसके बाद इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसको मैंने साफ कर लिया, इसको वॉश कर दूंगी, थोड़ा सा ड्राई जब होगा ना तो फिर मैं इसको एल्कोहलिक स्वैब से साफ करके स्टेलाइज करके इसको इस तरह से बंद करके रख देना। ये समझे कि ये इसका कवर है, जब हमने निकाल लिया इसको, जब हमने निकाल लिया ना इसको पैकेट से, समझे कि फिर ये इसका कवर है। अच्छा जी, अब जो है ना वो फेस जब अच्छी तरह मतलब फेस को मैंने पानी से वॉश कर लिया, और अब उसके बाद जो है ना वो मैंने इसको टिश्यू से साफ करने के बाद अब मैं ये वाला फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ, तो इसको मैं लगाऊंगी 10 से 15 मिनट। ये रेजा स्किन केयर का है, ग्लो बूस्टिंग, और ये फौरन से स्किन को इंस्टेंटली ग्लो दे देता है। 15-20 मिनट अब इसको लगाती हूँ, और साथ साथ मैं अपने हैंड केयर करूंगी। नेक्स्ट स्टेप टू वर्ड सेल्फ केयर इज दिस हेयर, ये जो नेल पॉलिश लगाई है ये उतारनी है। अच्छा, फेक नेल्स लगाए हैं, इसकी क्यूटिकल्स वगैरह नहीं रिमूव करूंगी, बस सिर्फ नेल कलर रिमूव करूंगी, नहाने के बाद दोबारा से नेल कलर लगा लूंगी। हाथों की भी और पैरों की भी केयर उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी फेस की है,
तो हैंड्स और फीट को भी वंस वीक तो जरूर स्क्रब किया करें, लेकिन हाथों को तो मेरे हाल है 2 या 3 दिन बाद भी हमें स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। स्क्रब मैंने यूज किया है कैंडलेशियस डॉट पी के का इंस्टाग्राम पेज है, इनका स्क्रब बहुत अच्छा है, वाटर मेलन स्क्रब, की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा जो है ना वो नीट कर देता है ये हैंड्स को। मैंने देखिए नीट हो गए, स्क्रब करने से सारी एब्जॉर्ब हो गई है, मैं थोड़ा सा पानी लगा के स्क्रब करती हूँ वॉशरूम में जाके और फेस को धो के आप लोगों के साथ। अच्छा जी चले, फेस हो गया है वॉश, अब इसको करूंगी साफ टिश्यू से, देखिए कितनी नीट हो गई स्किन, आप लोग खुद देख लें कि थोड़ा सा ख्याल करने से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा पाँव पे ना मैं वही वाला स्क्रब जो है ना मैं अभी आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगी, साथ साथ दिखा दिया, तो हैंड से मैंने स्क्रब किया ना वही मैं पाँव पे करूंगी लेकिन नहाते वक्त, ठीक है, क्योंकि अब इतना इसको मेरे पास टाइम नहीं है और दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी अब ये फेस हो गया ना, बस फेस के ऊपर मैं ना लगाऊंगी ये वाला टोनर फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मैं अभी फॉरन शावर नहीं ले रही, तो अभी मैंने क्रीम ये लगा लेते हैं फेस पे। ये क्रीम है जी निविया सॉफ्ट, अफोर्डेबल में आ जाती है, एक जार, लेकिन ये भी खैर काफी एक्सपेंसिव हो गया। अच्छा सा फेस को मॉइस्चराइज करना। अब जी हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे सेल्फ केयर का। अच्छा जी ये है मेरा हेयर स्टीमर, ठीक है, ये इस तरह से है, इसका मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ से लिया था, मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगी ढूंढ के कि कौन से लिंक से मैंने खरीदा था, ठीक है, और इसको इस तरह से सर पे लेना है, ठीक है, और ये इसकी तार है जो लग जाती है बिजली की और यहाँ से इसका मोड ऑन हो जाता है, इसे 15 से 20 मिनट तक ना लूंगी स्टीम अपने सर पे, ठीक है, उससे ये होगा कि जो तेल मेरे बालों में लगा नहीं है सारा मेरे सर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मैं आ गई हूँ अब चेयर पे बैठ गई हूँ, साथ में लगा लिया इसको मैंने, ऑन कर लिया जी, कम अज कम ना मैंने 20 से 25 मिनट ले लिया स्टीम, 15 मिनट के बाद तो मुझे लग रहा था कि कहीं गर्म हुआ है, ठीक है। जिन लोगों के पास ऐसी नहीं है वो ये कर सकते हैं कि गर्म एक आप टॉवल लें मीडियम साइज का, उसको पानी डालें उसमें, उसको पानी निचोड़ लें, निचोड़ के आप उसको माइक्रोवेव में रखें 3 मिनट्स के लिए, और उसको जो गर्म हो जाएगा उसको खोल के बालों पे आपने अप्लाई कर लेना, जब तक वो ठंडा नहीं होगा उसको अप्लाई कर रख, मतलब बालों में लपेट लेना, जैसे हम नहा के बाल नहीं लपेटते वैसे आपने लपेट लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ठंडा जब हो जाएगा, अब ये गर्म है अभी मैं इसको नहीं उतारी, मैंने इसकी तार उतार दी है लेकिन ये गर्म है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर लेके बैठूंगी 10 मिनट और उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा मेरे बालों का नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो मैं सर पे दुपट्टा लपेट लूंगी, और बिल्कुल जब तक मेरे बाल नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आएंगे मैं शावर नहीं लूंगी, क्योंकि उस तरह फिर सर गर्म होने का खतरा है और सर पे जमा होने का खतरा भी, जिन लोगों को छींके वगैरह आती है एलर्जी वगैरह तो वो लोग। चले जी इन द मीन टाइम मैंने जो है ना वो जूस बनाया अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए लेके जा रही हूँ, ले जानो पी ले जूस, शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम, ले ले चलिए आप पी लें, फिर बाकी मुझे दे दे देना, तो आधा ले लो ना तुम, ले लो ग्लास, आप पी ले पूरा मग। चले जी शावर हो गया, नहा लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो यूज़ करेंगे, थोड़ी सी करेंगे स्किन केयर, उसके सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे ये वाला कोस्टर एक्स्ट्रा सीरम, ठीक है, बहुत अच्छा और हाइड्रेटिंग टोनर है, ठीक है, बालों को शैम्पू किया, कंडीशनर किया, और वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी अपने शैम्पूज और कंडीशनर, और चले अब स्किन केयर कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से स्किन केयर करें क्योंकि मास्क वगैरह वो शेव भी किया फेस को, फिर उसके बाद स्क्रब भी किया, तो इसलिए फिर से है ना वो नीट हो गया, लेकिन अब इसको अच्छी से हाइड्रेशन की ज़रूरत है, अच्छे से सीरम उसके बाद लगाएं, ठीक है, राइल सेरामाइड लगाऊंगी, हाइलुरोनिक लगाऊंगी, ठीक है, स्किन केयर करती हूँ एंड देन आई विल बी बैक। ये लगा रही हूँ अब राइल सेरामाइड सीरम, मॉइस्चराइजर, ठीक है, सिर्फ 2 पम्प्स, बहुत अच्छा सीरम है, वेरी ईजी, मतलब इसका रिजल्ट भी अच्छा है, उसकी प्राइस भी बहुत सस्ता है, 1400-1500 का, सो बस इसको नीचे जो लेंथ है ना बालों की उन पर अप्लाई कर लिया, बालों को अच्छा सा ड्राई कर लेते हैं, हल्का सा मेकअप कर लेते हैं ताकि अच्छे लगे। नहाने के बाद बाल गीले हों या जब हल्के से ड्राई भी हो जाएं तो उनको इस तरह वाइड टूथ वाली जो है ना कोम्ब उससे आपने बालों को ब्रश करना है, ब्रश से ब्रश नहीं करना, बाल टूटेंगे नहीं और खुले खुले ब्रश हो जाएंगे, जब अच्छी तरह से बाल सुलझ जाएंगे तो फिर आपने जो है ना उनको अपने ब्रश से ब्रश करना। हेयर ड्राई करने के बाद मैंने इसमें लगाया था हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, जो कि मैं नहीं दिखा पाई, मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, और बस उसके बाद मैंने अपने बालों के सेक्शंस बना के अपने बालों को कर लिया स्ट्रेट। और अच्छा लगने का एक अहम जुज है अच्छा खुशबू लगाना,
चलें जी, नेल कलर भी लग गया है और अब मैं रिंग्स पहन लूंगी। एक्चुअली मुझे कहीं जाना तो मुझे थोड़ा सा तैयार होना पड़ गया, लेकिन अगर आपने फेस को इस दिन रेजर किया या कुछ भी किया है तो आपने उस दिन फेस से मेकअप नहीं अप्लाई करना, सही है। चलें जी, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये सेल्फ केयर की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर आप लोग भी अपनी अपना ख्याल रखा करें, वीक में एक दफ़ा, टू वीक्स में एक दफ़ा ज़रूर अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दिया करें और अपने आपको अच्छा ग्रूम किया करें, क्योंकि ये सब कुछ करने से हम अपने आप में फ्रेश फील करते हैं और उसका असर हमारे मूड पे भी पड़ता है और हम अच्छे भी नजर आते हैं। सो सब कामों से हटके अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें जब निकल आए टाइम, ठीक है। कोशिश किया करें कि वीक में एक दफ़ा जिस दिन आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। चले जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के मांग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों ने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चले जी, अल्लाह हाफिज़।